इतना सॉरी पर गुड मॉर्निंग गाइस, आज का मौसम बड़ा ही सुहाना है। बगीरा ये ऐसे ही करता भाई, जब भी फ्रेश व्रेश हो लेते ना उसके बाद इसको बस किसी पे भौंकना, किसी को डराना। सरकार मान जाओ यार, कोई तो मान जाओ, या किसान माने या सरकार माने, बहुत मुश्किल से हर कोई इस आंदोलन में गुजर रहा है यार। मतलब बहुत मुश्किलें हो रही हैं, हर रास्ता रुक गया है, हर चीज़, आम जनता को भी प्रॉब्लम हो रही है। अब सब अपनी जगह सही हैं कि नहीं है ये नहीं पता, बट कोई एक हीला तो निकालना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट भी बिल्कुल ऐसे छोड़ चुकी है कि जैसे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, और आम आदमी को इतनी दिक्कत हो रही है। अब ये देखो, और ये एक साल से यहाँ है, एक साल से मैं इनको मतलब देख रहा हूँ, जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से यहीं पे सोसाइटी में नीचे आते हैं, अंदर आते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। खुद खास दोस्त रिक मामा मामा बढ़िया बढ़िया, गंदा मत कर, तैयार होकर जा रहा है, सीढ़ियाँ चढ़नी वगैरह का पता लग जाता है जब सीढ़ियों से नीचे आता है ना, कि वापस भी यहीं से लेके आएगा, सांस अटक जाती है इसकी। चल 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 चल, ये बहुत तंग करता है यार। कोई मेरे को कोई ऐसी ट्रेनिंग टेक्निक बताओ, हेड मसाज तो ये कर देता है पर ये चलता हिसाब से नहीं यार, बड़ा तंग करता है। कैसी लगी जी बहरागी कैसी लगी चढ़ाई देखिए पानी पिला दे मेरे को, नहीं इसको पिला दे, इसकी सांस फूल रही। दिव्या से ग्लूकोन डी मांगा तो बोली जंग में तो दुश्मन को भी पानी पिलाते हैं, आप तो फिर भी हस्बैंड हो हमारे। वो ग्लूकोन डी गर्म हो गया होगा मुझे लग रहा है इस बात से। मेरा ग्लूकोन डी देखो किसको अपने लेके आई। आज हमारा मूड नहीं कर रहा कुछ भी खाना बनाने का, तो दिव्या को मैं छोले भटूरे खिला के ला रहा हूँ। यहाँ सोनीपत है को पास में, मतलब सोनीपत है, सोनीपत के बहुत फेमस छोले भटूरे, जिन्होंने एक आउटलेट अपना कुंडली में भी खोला है, और मुझे पता लगा आउटलेट है, पता नहीं कि कोई वैन है, कि बेस्ट छोले भटूरे मिलते हैं। अब जाके देखते हैं कि बेस्ट हैं कि नहीं है। और ये बगीरा सो रहा था दूसरे कमरे में, और इसको जैसे ही पता लगा ना कि दोनों उठ गए हैं, रेडी हो रहे हैं, और दिव्या तैयार हो गई है तो जाने की तैयारी कर रहे हैं, भाई नींद में चल के आ गया। तुझे पता कैसे लगता है, तुझे पता कैसे लगता है, पहले ये बता दे तुझे पता कैसे लगता है। देख शम क्या पूछ रहे, सब पता लग जाता है इसको, हो रहा है यार भाई स्किन, he has been possessed यार, क्या कर रहे शम, इसको नीचे उतारो, चलो नीचे उतरो, चले बेबी। ए बेबी बेबी मत करा कर, ठीक है 30 साल का हो रहा हूँ मैं, सारे कहीं की उम्र लिख ली, सरकारी नौकरी की भी एलिजिबिलिटी खत्म हो रही है मेरी, तू बेबी बेबी करती रहती है। इसको ये नहीं पता इसको लेके नहीं जा रहे हैं बेटा, तुझे नहीं लेके जा रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। शिवम इधर आ जाओ, क्या हो गया, दिख गया यार, इतने टिक तुझे कैसे दिखते हैं, मुझे तो नहीं दिखते। तुम इसे प्यार नहीं करता ना, मैं प्यार करने के लिए ऐसे हाथ मिलाती हूं तो उसको पता लग जाता है, हर चीज में गलती है मेरी, है बिल्कुल Hardships of a man are really hard. हाँ भाई दिखा भाई दिखा, क्या हो रहा तेरे, क्या हो रहा, क्या क्या हो रहा, ये इसके इसके कुछ लगता है तेरे को, इसकी कोई बीमारी है, ये खुद बीमारी है, कुत्ते के नाम पे गधा पाल रखा हमने, पाल रखा है ना, बकरी है ये, बकरी ये क्या है, क्या है ये, तू नहीं जा रहा भाई कहीं, हेलो यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। घर का मालिक हो गया हम तो कुछ आई नहीं, अपने आप डिसाइड कर लेता मैं जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। ओए बगीरा तू कहीं नहीं जा रहा है, चल अंदर। दिव्या इसको साइड करो यार,
चलो यहाँ से। आजकल ना राम कपूर देख रहे हैं हम, बड़े अच्छे लगते हैं, और ये मेरे लिए पहली एसिडिटी की गोली ले ही करी एसिडिटी। नथिंग टू डू विद राम कपूर। तो पर आज तक तो नहीं खाई हमने छोले भटूरे खाने से पहले गोली? मम्मी और मैं तो खाते हैं, मम्मी ने मुझे बताया था कुछ पैसे खाने से पहले खा लिया करो अंडा से, ये लो पकड़ो, फिर बाद में क्योंकि तुम्हें परेशानी हुई। मुझे एक बात बता, उस लिस्ट से नहीं लेके जा रहा तो इस लिस्ट से ले जाऊंगा मैं तेरे को? हैं ये सोच रहे कि लीज बदल लूंगा ना तो ये ले जाएंगे। इसकी ट्वीट दे दे और चलो। अभी जिंदा हूं तो पी लेने दो, सही उतरने की फील लेने दो। वापिस भी आना यहाँ से दिव्या, एसिडिटी की गोली एक और उठानी थी। कहीं बाहर चले जाए ना बगीरा पूरी सोसाइटी को बता देता है कि कहीं बाहर गए, इतना भौंकता है, इतनी तेज तेज भौंकता है, सारी सोसाइटी को पता लग जाता है कि ये कहीं बाहर जा रहे हैं इसको छोड़ के। आइटम सुपर टिकाऊ सस्ते जल्दी में हो तो नमस्ते दिल से दिमाग में मिलेगा, पंजाबी गुजराती चाइनीज इटालियन बंगाली थाई मुगलाई मेक्सिकन, पंजाबी में मां की दाल तड़का लागे छोले कुलचे नींबू पाके, पनीर टिक्का पनीर मलाई पनीर भुर्जी पनीर कढ़ाई, चिकन टिक्का चिकन मलाई चिकन करी चिकन कढ़ाई, लॉलीपॉप शेजवान 65 मंचूरियन, तंदूरी रोटी रुमाली रोटी नान पराठा सलाद अचार साथ में फ्री, बिरयानी में हैदराबादी लखनऊी कलकत्ता बंबईया दिल्ली भोपाली, डेजर्ट में बदनाम लस्सी जत का फलूदा गाजर कालवा, ठंडे में पेप्सी कोला सोडा जूस नहीं तो काला खट्टा लेके चुस्त। हम आ गए हैं, ये पार्कर मॉल के आगे है और ये है दादा भटूरे वाले चूर चूर नान, भटूरे वाले चूर चूर नान। वाह क्या हाल है भैया, मैंने सुना आप बड़े अच्छे से छोले भटूरे बनाते हैं, खिला दो फिर। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लगी है, अभी पहले ना एक प्लेट खिला दो, पहले एक प्लेट ले दो, एक प्लेट खिला दो। कोई नहीं है, तू मास्क उतार सकती है। भटूरे वाले के साथ ही बर्फी वाला है, बर्फी वाले के सामने ये दिखा होगा ये पकौड़े वाला, ये भी बहुत फेमस है, और ये सामने है पार्कर मॉल, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। सब क्या मिल्क केक नहीं खाता मैं, आई डोंट लाइक मिल्क केक, आई लाइक दिस बर्फी, ये बर्फी कम ये मुझे ना पहले कैटगरी के डब्बे लगते थे, जब मैं खोलता था फिर बर्फी दे गया। मैं खड़ा हूँ मैदाने जंग में, पीछे देख रहे हो जंग का मैदान बना दिया। एक साल से अब आदत हो गई है इस चीज़ की यार, एक साल से हम यहाँ पे हैं, और मतलब ये यहाँ पे हम तो यहाँ रहते हैं और सब लोग बहुत मुश्किल से रह रहे हैं, कुछ करो भाई कुछ करो प्लीज़ कुछ करो, ये जीटी रोड सिंगल रोड हो गया। ये भटूरे हैं कितने बड़े, गाइस बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मज़ा आ गया, और हाइजीन भी बहुत अच्छा, मतलब बहुत साफ़ सुथरी सी दुकान है, ज़रूर ट्राई करना। गुरु कृपा छोले भटूरे के बाद करनाल से मुझे ये सबसे ज़्यादा छोले भटूरे पसंद आया और गजब का मज़ा आ गया, ट्राई ज़रूर करना। दिव्या दिव्या तुम क्या ले? ये मेन्यू है। हाँ जी भैया, मैंने सुना आप सोनीपत में भी आपकी हुआ है। हाँ सोप भैया, सेक्टर 14 में। सेक्टर 14 में? सेक्टर 14 में, और बहुत फेमस है आप वहाँ पे। हाँ जी यहाँ पे आप खोला है? हाँ यहाँ पे अभी खोला है। तो गाइस ये सोनीपत के 14 सेक्टर बताया ना? हाँ सेक्टर 14 आपको। सोनीपत 14 सेक्टर में बहुत फेमस ऑलरेडी इनकी ब्रांच है, तो अभी इन्होंने ये आउटलेट खोला है, तो किसान आंदोलन की वजह से इन्होंने बीच में बंद कर दिया था, बट इन्होंने दोबारा ओपन कर लिया, और बहुत हाइजीनिक बहुत क्लीन है, और यहाँ के छोले भटूरे ज़रूर ट्राई करना। जिनको नहीं पता जो यहाँ कुंडली एरिया में रह रहे हैं, तो भाई आउटलेट खुल चुका है दादाजी, नहीं दादा भटूरे चूर चूर नान, भटूरे छोले चूर चूर नान वाले, दादा भटूरे छोले चूर चूर नान वाले, ठीक है ना, बहुत रैप स्कीम सा नाम है। गूगल पे भी है? गूगल पे है, गूगल पे भी है भाई इनका, दादा छोले भटूरे चूर चूर नान वाले। कैसे लगे? स्वाद आ गए? खुश है अब? तो हमें फाइनली एक नई जगह मिल गई छोले भटूरे की, छोले भटूरे का मैं बहुत शौकीन हूँ, अब मुझे एक जगह और मिली है भाई, मौज लग गई भाई। मुझे मेरी गाड़ी में 20 रुपए का कॉइन मिला, पता नहीं सत्यम की गाड़ी ले गए क्या ले गए, लेकिन मैंने आज ये पहली बार देखा, कमेंट करके बताना गाइस असली है कि नकली है। गाइस ये है 21st सेंचुरी का जंग का मैदान विद
ऑल द टेक्नोलॉजीज एंड कम्फर्ट्स। ये देखो कैसे सेटअप करा हुआ है और अभी डिजाइन दिखाता हूँ। और हाँ, ये अब सिंगू बॉर्डर नहीं रहा, अब ये सिंग बॉर्डर बन चुका है और बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग टाइप के हट्स और चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखो मैं दिखाता हूँ, सिस्टम हो रहा है भाई, पूरा सिस्टम। ये मेरे ख्याल से ये वॉकिंग हट है, ये देखो पक्का घर। हट्स देख रहे हो आप, सामने देखो एसी लगा हुआ है, डिश टीवी लगा हुआ है, सब एकदम फर्स्ट क्लास। बिना दरवाजों के सोने के लिए इन्होंने सीसीटीवी भी प्रॉपर लगा रखे। बच्चों को प्रसाद देने कैसी है? अभी मेरा अमेज़न से कोरियर आया है और सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रहा था, वो तो कह रहा आप बाहर हो, तो भैया मैं नीचे खड़ा हूँ, लेकिन मुझे कहीं दिख नहीं रहे, मैं तो बाई चांस मैं बाहर ही था। अमेज़न आप हो? अच्छा, आप तो पहले भी आए थे ना भैया, आप पहले भी आए थे चली डिलीवरी पर, तभी शायद आपको पता है कि अभी चढ़ना पड़ेगा, इससे पहले फ़ोन कर लूँ ना। भैया ने इसलिए फ़ोन करा क्योंकि भैया को पता था कि चढ़ना पड़ेगा, और शुक्र है मैं नीचे था। क्या है ये एंटिटी कॉलर? पेट प्रोडक्ट है। हाँ पेट प्रोडक्ट था। ठीक है, बगीरा को बारिश की वजह से काफ़ी टिक्स हो रहे थे, पता नहीं क्या, तो एंटिटी कॉलर मंगाया, आई होप इट वर्क्स एंड कुछ अच्छा। पेमेंट नहीं करनी है, करो, आपका बेटा का सामान है। मैं लिफ्ट में ऊपर जाऊँगा, ये नवीन भैया, इन्होंने मुझे कल प्रॉमिस करा था कि लिफ्ट चलाएंगे, लेकिन इन्होंने नहीं चलाई। ध्यान से देखिए इस आदमी को, ये जय शाम करके हमारे सारे दिन और शाम। कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो नवीन भाई सो कोऑपरेटिव, हमेशा हमारी हेल्प करते हैं हर चीज में। या मेरे ना बाथरूम में सर, अभी मैंने ना कल आपका फोन आया ना, तो आप डोगी को घुमाने ले जा रहे थे ना, तो भी मैंने बोला मैं यार रिक्वेस्ट है मेरे कहने से, अभी बोल देता हूं सर, अभी देख रहे हो भाई, बहुत मेरे बाथरूम में भी पानी। आज शायद दिक्कत खत्म हो जाएगी, नीचे से पानी उतर गया ना, दिख रही है धरती, पाइप वाइप सब नजर आ रही है। अगली बारिश कब है? अब बारिश खत्म है, पता नहीं कब चढ़ेगी भाई, सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। तो अब इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, आई होप आपका आज आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और कल मिलते हैं, बाय। अरे आ रहा हूँ, चाबी मेरे पास है।